Hello everyone, in today's video we shall be reading chapter 10 of our English NCERT book, The Story of Cricket, मतलब क्रिकेट की कहानी. We all know, हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ. एक स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण अंग है स्पोर्ट्स. ये एक तरीका है इन विच वी अम्यूज आवर सेल्फ, हम खुद को रोमांचित रखते हैं, खुश रखते हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट प्रतिस्पर्धा करते हैं और फिट रहते हैं. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे. अब हालांकि हमारे देश में कई सारे स्पोर्ट्स हैं, लाइक द हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बट सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या फिर सबसे ज़्यादा रोमांचित करने वाला स्पोर्ट्स इंडिया में अगर कोई फिलहाल माना जा रहा है, दैट इज़ क्रिकेट. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट. तो क्वेश्चन है कि हम क्रिकेट गेम के बारे में जानते कितना है. नाउ लेट्स रीड स्टार्टिंग द चैप्टर. क्रिकेट ग्रीव आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो. लगभग 500 साल पहले के आसपास इंग्लैंड में कई सारे खेल स्टिक और बॉल से खेले जाते थे. अब ये जो वर्ड है बैट, इज इट्स एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. इसका मतलब होता है स्टिक या फिर डंडा. 17th सेंचुरी के आसपास क्रिकेट हैड इवॉल्व इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम. ये 17th सेंचुरी के आसपास हुआ जब क्रिकेट में थोड़े बहुत चेंजेस आने के बाद ये एक अलग गेम के तौर पर अपनी पहचान बना पाया. रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचान बना पाना. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भी जो bats थे वो mainly hockey sticks की तरह ही होते थे. There were a simple reason for this. इसके पीछे एक simple कारण था. The ball was bowled under arm. क्योंकि जो गेंदें होती थी वो under arm फेंकी जाती थी. Along the crown and curve at the end of the bat give the batsman the best chance of making contact. अब चूंकि गेंद नीचे से फेंकी जाती थी grounded form में, तो batsman के लिए आसानी होता था कि मुड़े हुए end से shot बढ़िया खेली जा सके. One of the peculiarities, मतलब इस खेल की एक विशेषता है कि its test match can go on for 5 days. एक विशेषता ये भी है कि ये 5 दिनों तक चल सकता है and still end इन अ ड्रॉ. कोई भी और मॉडर्न स्पोर्ट इतना समय नहीं लेता कंप्लीट होने में. अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन हाफ, इन एन आवर एंड हाफ. एक फुटबॉल मैच 90 मिनट्स में ओवर हो जाता है. यहाँ तक कि बेसबॉल 9 इनिंग्स वहाँ भी होते हैं और इसे भी कंप्लीट होने में एक 50 ओवर मैच का हाफ टाइम ही लगता है. दैट इज़ अबाउट 3 to 4 3 आवर्स में वो भी हो जाता है. अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 yards, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. एक और बड़ा अजीब खासियत है इस क्रिकेट गेम की, दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड. जो पिच का लेंथ होता है वो स्पेसिफिक होता है, 22 गज 22 yards, लेकिन ग्राउंड का कोई शेप या साइज नहीं होता. मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया. बाकी जितने भी खेल हैं, चाहे वो हॉकी हो या फुटबॉल हो, उनके खेलने का एरिया का एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है. क्रिकेट में ऐसा नहीं है. क्रिकेट डजंट. ग्राउंड्स कैन बी ओवल. ग्राउंड्स ओवल हो सकते हैं, जैसे कि एडिलेड ओवल और नियरली सर्क्यूलर, लाइक चेपक इन चेन्नई. अ सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. अगर आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, अगर वहाँ आपको एक शॉट खेलना है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान से ज़्यादा आपको हिट करना पड़ेगा. There is a historical reason behind both these oddities. अब इसके पीछे भी एक रीज़न है. क्रिकेट was the earliest modern team sport to be codified. क्रिकेट आज के जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स हैं इनमें बनाया जाने वाला पहला खेल था. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट
वर ड्रॉन अप इन 1744। जो फर्स्ट सेट ऑफ लॉज ऑफ क्रिकेट थे वो 74 में लागू हुए थे। इनमें लिखा गया था, द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर्स हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। उसमें कहा गया था कि जो भी नियम होंगे वो जेंटलमैन, जो भी टीम में मेंबर्स प्रेजेंट होंगे दोनों ही टीमों के, तो दो अंपायर्स होंगे जो कि हर तरह के डिस्प्यूट, हर तरह के विवाद को सुलझाएंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई। जो स्टम्प्स हैं वो भी 22 इंच ऊंचे होने चाहिए। और जो बेल्स अक्रॉस, जो गिल्लियां होती हैं विकेट पे, वो भी 6 इंचेस की होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces। और जो गेंद का वजन है वो 5 से 6 ounces का होना चाहिए। और दोनों स्टम्प्स के बीच की दूरी 22 yards होनी चाहिए। ये था फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिकेट। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन द 1760s एंड द मेडिलबर्न क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। अभी पहला क्रिकेट क्लब जो फॉर्म हुआ वो था हैम्बल्डन और दूसरा मेडिलबर्न। 1760s और 70s के बीच में ये कॉमन हो चुका था टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रैदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड। तो 1760s और 1770s के बीच ये क्लियर हुआ कि अब गेंदें अंडर आर्म नहीं फेंकी जाएंगी बल्कि उन्हें ग्राउंड पे टप्पा खिलाया जाएगा। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ, डिसेप्शन थ्रू एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। इससे गेंदबाजों को कुछ फ़ायदा हुआ कि उन्हें अब अपना लेंथ पिक करने की आज़ादी थी। इसके अलावा वो हवा में डिसेप्शन, वो हवा में भी गेंदों को घुमा सकते थे। इसके अलावा उनके स्पीड में भी, उनके स्पेस में भी बढ़ोतरी हुई। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग। अब इस कारण से गेंदों को स्पिन और स्विंग करने की भी आज़ादी मिली। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉर्ट सेलेक्शन। बदले में बैट्समैन का भी काम बढ़ा, उन्हें भी अपने टाइमिंग पे वर्क करना पड़ता और शॉर्ट सेलेक्शन पे वर्क करना पड़ता। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद अ स्ट्रेट वन। इसका एक नतीजा ये हुआ कि जो पहले कर्व बैट, जो पहले मुड़े हुए बैट से खेला जाने वाला स्पोर्ट्स था, अब वो सीधे बल्ले से खेला जाने लगा। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 50 ounces। अब जो बॉल का वजन है वो भी लिमिट कर दिया गया 5 से 50 ounces तक में। एंड द वेट ऑफ द बैट टू 4 inches। और बैट की लंबाई भी 4 inch तक फिक्स कर दी गई। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड। 1774 में फर्स्ट लॉ पब्लिश हुआ LBW का, कि अगर आपका पैर विकेट के सामने रहेगा तो आप आउट कहलाओगे, अगर गेंद सीधी आपके पैड्स में आकर टकराती है तो। इसी समय के आसपास अ थर्ड स्टंप बिकेम कॉमन। इसी समय के आसपास एक थर्ड स्टंप भी कॉमन हुआ। बाय 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट सिक्स सीम क्रिकेट बॉल। 1780s के आसपास खेल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 3 दिनों तक फिक्स किया गया। और इसी साल 6-seam क्रिकेट बॉल, मतलब 6 धागों की सिलाई वाले क्रिकेट बॉल को भी मान्यता मिली। इट वॉज रिकॉग्नाइज फर्स्ट। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज्ड विद चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। अगर तुम गेम के इक्विपमेंट्स को, जो भी क्रिकेट खेलने वाले हैं उनके इक्विपमेंट्स को देखोगे तो तुम पाओगे कि इस पर बहुत परिवर्तन हुआ है समय बदलने के साथ साथ। लेकिन आज भी जो गेम का फंडामेंटल, जो बेसिक्स जो हैं गेम के, वो आज भी वही हैं जैसे कि उस वक्त के रूरल इंग्लैंड में हुआ करते थे। क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्रिकेट के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल हैं वो मुख्यतः नेचुरल और प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बने हुए हैं। प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स मतलब क्या, वैसे मटेरियल्स जो कि हमें डायरेक्ट नेचर से मिल सकते हैं। जो बैट है वो लेदर से बना होता है, ट्वाइन एंड कॉक से बना होता है। इवन टुडे
आज भी बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा दैट आज भी ये जो बॉल है और जो बैट है वो हाथ से बने होते हैं, ना कि किसी इंडस्ट्री में बनकर आते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। हालांकि बैट का मटेरियल समय के साथ बदला है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड। एक समय था पहले जब एक सिंगल लकड़ी के तख्ते से इसे बनाया जाता था, लेकिन अब ये दो पीसेज में आता है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज़ मेड आउट ऑफ केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन एशिया। अब जो क्रिकेट का बैट है उसका ब्लेड्स विलो की लकड़ी का बना होता था और जो हैंडल है वो केन बांस का बना होता था। जैसे जैसे यूरोपियंस जो थे वो जाकर के एशिया में बसते गए तो उन्हें यहाँ पे केन अवेलेबल होता गया। अनलाइक गोल्डन टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज्ड टू रीमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। टेनिस या बैडमिंटन के उलट क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसने कि आज भी अपने मटेरियल्स को इंडस्ट्री में बनवाना पसंद नहीं किया है। मतलब आज भी जो स्पोर्ट्स मटेरियल हैं दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। लेटर इट सेज बट इन द मैटर ऑफ प्रोडक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन जहाँ तक बात आती है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब वैसे इक्विपमेंट्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हों, सुरक्षा उपकरण जिन्हें हम कहते हैं, तो इस मामले में क्रिकेट ने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848। वल्कनाइज रबर के इन्वेंशन के बाद क्रिकेट में पैड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। पैड्स सबसे पहले इस्तेमाल में आए और इसके ठीक बाद ग्लव्स का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स। और आज के मॉडर्न गेम में वेयर स्पेस एंड स्पीड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फॉर बॉलिंग साइड, तो बैट्समैन के लिए भी ये जरूरी हो गया कि वो हेलमेट्स पहन करके ही बैटिंग करे। एल्स आप सभी को पता होगा फिल ह्यूज के बारे में, द फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हु डाइड एट एन अर्ली एज बिकॉज ही वॉज स्ट्रक बाई अ फास्ट गोइंग बॉल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी शैल टॉक अबाउट अनदर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।